द कैंडिडेट विल हैव टू अटेम्प्ट एनी थ्री सेक्शंस। ठीक है, नागपुर यूनिवर्सिटी के पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के ऑफिशियल अपडेट्स आ चुके हैं और गाइस इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाली है उसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, साथ ही में जो मार्किंग स्कीम है वो क्या रहेगी, क्या नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है नहीं रहने वाली है, ये भी मैं आपको बताऊंगा और भी काफ़ी सारी जो डिटेल है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो देखते गए इस डिटेल में कि जो एग्जामिनेशन की स्कीम है वो क्या रहने वाली है पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो आपकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है गाइस ये ऑफलाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, मींस आपको सेंटर में जाके जो एग्जामिनेशन है वो देनी होगी। आप देख सकते हो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन मोड एट वेरियस सेंटर्स इन नागपुर सिटी, द पेपर पैटर्न विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप विथ ओनली वन करेक्ट आंसर। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस ही रहने वाला है, एमसीक्यू ही रहेंगे आपके पेपर में, बट सेंटर में जाके आपको ये जो एग्जामिनेशन है वो देनी होगी। एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड एट मल्टीपल सेंटर्स एट सेम डे एंड टाइम इन नागपुर सिटी। तो जो सेंटर है वो आपको जब एडमिट कार्ड मिलेगा तब आपको पता चल जाएगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम है वो इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश मीडियम में आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे और वैसे आपको आंसर टिक करना होगा। फिर स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर, तो ये ध्यान से देखना, कन्फ्यूज़ मत होना। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, दो पार्ट रहेंगे क्वेश्चन पेपर के, एक है जनरल एप्टीट्यूड और दूसरा है सब्जेक्ट सेंट्रिक। ठीक है, तो जनरल एप्टीट्यूड में जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। दिस सेक्शन विल कंटेन 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो एप्टीट्यूड के इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपको सॉल्व करना होगा। और जो सब्जेक्ट सेंट्रिक होगा, सपोज अगर आपने बीएससी फिजिक्स में किया होगा तो उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन वहाँ पे सेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूट रहेगा जो सेक्शन बी है वो, तो जो आपके बीएससी जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको फिर जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना होगा। यहाँ पर क्या दिया है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दिस सेक्शन विल हैव 15 सब सेक्शन। ठीक है, तो जो बी सेक्शन रहेगा पेपर में उसमें 15 सब सेक्शंस रहेंगे कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस ईच। ठीक है, तो 15 सेक्शन में एक सेक्शन में 10 क्वेश्चन रहेंगे, सेकंड सेक्शन में 10 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसे 15 सेशन रहेंगे। ठीक है, हर एक सेक्शन में 10-10 क्वेश्चन रहेंगे। द कैंडिडेट विल हैव टू अटेम्प्ट एनी थ्री सेक्शंस। ठीक है, तो जो कैंडिडेट एग्जामिनेशन देंगे उनको एनी थ्री आउट ऑफ 15 जो है वो जो क्वेश्चन की सेक्शन से वो सॉल्व करना होगा। मतलब बी सेक्शन में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है और सेक्शन ए में आपको जो है वो 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, एज़ पर हिज और हर सब्जेक्ट ग्रुप्स एट बीएससी लेवल, तो जो भी आपके बीएससी लेवल पे सब्जेक्ट्स होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये जो तीन सेक्शंस है वो चूज़ करना है और उनको जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा पेपर में। द सब सेक्शंस विल बी एज फॉलोज, तो जो 15 सब सेक्शन रहने वाले हैं पेपर में उसमें आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। तो जो आपके बीएससी लेवल पे सब्जेक्ट्स होंगे उनमें से आपको जो है वो तीन सब सेक्शन यहाँ पे पेपर में सॉल्व करना होगा। तो ये पूरे जो सब सेक्शन है वो रहने वाले आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ऐसा आपका पेपर पैटर्न डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। तो आप देख सकते हो फिर यहाँ पे नोट दिया हुआ है, कैंडिडेट ऑप्ट ओनली दो सब्जेक्ट इन विच ही और शी हैज़ डन हीज और हर बीएससी। ठीक है, तो जिसमें आपने अपना बीएससी वगैरह कंप्लीट किया होगा उससे रिलेटेड ही आपको जो सब्जेक्ट्स है वो चूज़ करना है। कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी इंस्ट्रूमेंट, डिजिटल गैजेट्स, ई टेबल एक्सेट्रा इन एग्जामिनेशन ऑल, तो आपको ऐसा कुछ भी जो है वो कैरी नहीं करना है साथ में। थर्ड पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम विल बी अप्लाइड फॉर इवैल्यूएशन। ठीक है, तो जो नेगेटिव मार्किंग है वो रहने वाली है और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, मार्क्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द स्कोर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। ठीक है, तो सपोज अगर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है और अगर आपका वो रॉन्ग हो जाता है तो आपका एक मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 वाला जो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है वो रहने वाला है। The merit list of candidate will be prepared based on total score of section A and B. Section A and B के total score पे जो आपका मार्कशीट है वो create होगा। In case the candidate securing equal marks in the OE, preference will be given to one who secured higher marks in section B. अगर दो students को same marks रहते हैं तो जो preference है उसको दिया जाएगा जिसको section B में ज़्यादा marks है। ठीक है, इन केस द कैंडिडेट सिक्योरिंग इक्वल मार्क्स इन OE एंड सेक्शन बी, प्रिफरेंस विल बी गिवन टू वन हु सिक्योर्ड हायर मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो ऐसा है, ओनली फॉलोइंग आइटम्स विल बी अलाउड इनसाइड द एग्जामिनेशन, क्या क्या आप लेके जा सकते हो वो भी बताया है। आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है, बॉल पॉइंट पेन आप लेके जा सकते हो, ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ, फोटो आईडी प्रूफ में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कॉलेज आईडी में से आप कुछ भी लेके जा सकते हो।
ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इफ अ कैंडिडेट इंडल्जेस इन एनी ऑफ द अनफेयर मीन्स एक्टिविटीज द कैंडिडेट विल बी डिबार्डेड फॉर 3 ईयर्स. ठीक है, तो चीटिंग वगैरह मत करना. ऑफलाइन एग्जामिनेशन है तो और MCQ भी है, तो चीटिंग करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है. अगर करते हुए पकड़ते हो तो 3 साल के लिए डिबार्ड कर दिया जाएगा. फिर नेक्स्ट है सिलेबस. अब सिलेबस क्या रहेगा ये भी हम देखते हैं. जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन, सेक्शन ए विल हैव क्वेश्चंस टू इवेल्युएट एनालिटिकल, लॉजिकल एंड साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल एबिलिटी. ठीक है, तो एनालिटिकल, लॉजिकल, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल से रिलेटेड आपको जो क्वेश्चंस है वो एप्टीट्यूड में पूछे जाएंगे. द सब्जेक्ट सेंट्रिक सेक्शन बी विल बी बेस्ड ऑन BSc करिकुलम. ठीक है, तो जो सेक्शन बी रहेगा, जो आपने UG कोर्स किया है, BSc या फिर जो भी होगा, उससे रिलेटेड जो आपको जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे. तो आपको ओवरऑल पूरा जो अपना सिलेबस है जो आपने BSc या फिर UG में किया है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो आप इजीली जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर पाओगे. फिर है यहाँ पे स्कीम ऑफ मार्क्स. तो जो मार्किंग स्कीम है वो क्या रहेगी वो हमें अभी यहाँ पे पता चलेगी. क्वेश्चन पेपर विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स. ठीक है, तो अगर आपका एक आंसर राइट हो जाता है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो हाफ मार्क जो है वो आपका कट हो जाएगा एज पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग. मार्क्स लीडिंग टू अ टोटल स्कोर ऑफ 100 मार्क्स. 100 मार्क्स का आपका जो पेपर है वो रहेगा, उसमें 50 क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना होगा. देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग क्वेश्चन. अन अटेम्प्टेड अनआंसर्ड रिस्पॉन्स विल बी गिवन 0 मार्क्स. इन केस अ क्वेश्चन इज डिक्लेयर्ड एज इनवैलिड ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, फुल मार्क्स शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट हु हैज़ अटेम्प्टेड सच क्वेश्चन. अगर कोई क्वेश्चन गलत आता है ड्यू टू टेक्निकल इशूज़ और अगर आपने वो अटेम्प्ट किया होगा तो आपको फुल मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे. ठीक है, तो ऐसे पूरे जो मार्किंग स्कीम और आपका जो सिलेबस है वो रहने वाला है. एक चीज़ है कि जो सेकेंड सेक्शन है जो कि 30 मार्क्स, जो कि 60 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि एप्टीट्यूड में मेरे को लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स अच्छा कर सकते हैं और जो भी BSc वाला सेक्शन है वो थोड़ा हो सकता है कि हार्ड जाए, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस ऑनलाइन भी हुए थे. तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपना जो सिलेबस है वो रिवाइज़ करिए, साथ ही में अपने टीचर्स को भी पूछो कि कौन से टॉपिक्स पे जो क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं. और एप्टीट्यूड के लिए आप इंडिया बेक्स या फिर ऐसे कुछ जो वेबसाइट्स है उनका यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको एप्टीट्यूड के लिए काफ़ी सारे जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए वो मिल जाएंगे. और एप्टीट्यूड में जैसे बोला है कि लॉजिक, मैथमेटिक्स, साइंटिफिक लॉजिक, ये सारे पे क्वेश्चन आएंगे, तो उसी से रिलेटेड आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो करिए, ताकि आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से और अच्छा सा आप जो स्कोर है वो कर पाओ. ठीक है, तो ऐसा आपका पूरा जो ओवरऑल सिलेबस और एग्जामिनेशन जो स्कीम है वो रहने वाली है. तो लग जाइए पढ़ाई में और अपना जो फॉर्म है वो भी ज़रूर से भर देना. आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्टर करना है, इसकी प्रोसेस चाहिए होगी तो कमेंट्स में बताना, उसका भी जो वीडियो है वो मैं बना दूंगा. ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही. होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और ऐसे वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा देना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे.